नमस्ते एसटीवी न्यूज़ को स्वागत। केंद्र प्रभुत्व निधुलतो तेलंगाणालो 25000 किलोमीटर्ल हाईवेलनु निर्मिंचिन घनत मोडी प्रभुत्वानिकि दक्किंदनि लक्नो बीजेपी शासन सभ्युलु राजेश्वर सिंग तेलिपारु। बीजेपी प्रवास योजनलो भागंगा मेदक जिल्ला नरसापूर नियोजकवर्ग केंद्रंलो आयन महा बाइक र्यालीलो पाल्गोन्नारु। नरसापूर लोनी फार्मा कंपनील नुंचि वेळ్తున్న व्यर्थ पदार्थालतो रैतुलु इब्बंदुलो उन्न केसीआर कु पट्टडं लेदनि आग्रहं व्यक्तं चेशारु। एग्जाम पेपर लीकेज तो युवत भविष्यत्तो केसीआर चेलगाटमाडुतुन्नारनि दुय्यबट्टारु। कार्यक्रमंलो बीजेपी राष्ट्र कार्यवर्ग सभ्युलु मुरळी यादव, बीजेपी राष्ट्र नायकुलु, नरसापूर असेंब्ली कन्वीनर वालदास मल्लेश गौड् पाल्गोन्नारु। खाली वादे करते हैं पर काम नहीं करते हैं, फेल्ड प्रोमिसेस। जनता इस बात को तेलंगाना की समझ चुकी है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, तेलंगाना के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। 1,94,00,000 लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है तेलंगाना में। 1,13,00,000 लोगों के जनधन के खाते खुलवाए गए हैं। डीबीटी के सीधे बेनिफिट्स खातों में जा रहे हैं। बिचौलिए खत्म हो गए, मिडिलमैन खत्म हो गए हैं। 30-40 लाख किसानों को तेलंगाना में 6,000 रुपये की किसान सम्मान निधि मिल रही है। 30 लाख से ज़्यादा यहाँ शौचालय बनवाए गए। तेलंगाना में 11 लाख लोगों को उज्ज्वला के गैस सिलेंडर के कनेक्शन दिए गए हैं। 2.5 लाख प्रधानमंत्री योजना में मकान स्वीकृत किए गए, जो बनाने में सरकार अक्षम है, बना ही नहीं पा रही है। 2.5 लाख लोगों को मुद्रा लोन सैंक्शन किया है। बीजेपी सरकार जो कहती है वही करती है। आदरणीय मोदी जी जो चीज़ कहते हैं वो करते हैं, उसी का परिणाम है। तेलंगाना के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है। पहले तेलंगाना में मात्र 2,500 किलोमीटर नेशनल एक्सप्रेसवेज थे और पिछले 10 वर्षों में 2,500 किलोमीटर एक्स्ट्रा बने। आज 5,000 किलोमीटर तेलंगाना में एक्सप्रेसवेज और 33 में से 32 जिले आउट ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट जो हैं नेशनल हाईवे से जुड़ चुके हैं। केंद्र की सरकार लगातार नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, नए हॉस्पिटल्स बनवा रही है। इन्होंने वादा किया था हर जिले में 100 बेड्स का हॉस्पिटल होगा, कुछ नहीं किया। इन्होंने और वादे जितने किए तेलंगाना बीएसआर की सरकार ने, कोई काम नहीं किया। तो जनता यहाँ की त्रस्त है, जनता बदलाव चाहती है और जो अभूतपूर्व समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, आदरणीय किशन रेड्डी जी को मिल रहा है, आदरणीय बांदी संजय जी को मिल रहा है।